अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ऐसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी जो है टाइम हो रहा है तकरीबन 4 बजे का और गर्मी जो है वो शदीद है। तो हम यहाँ पे गांव में जो है गर्मियों में जो है दरख्तों की छाँव के नीचे बैठते हैं, क्योंकि कमरे जो है वो गर्म हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है बहुत सारे काम शेयर करूंगी। जो अभी इनकी कंडीशन काफ़ी जो है ख़राब हुई है और अभी इनकी करनी है सर्विस और फिर देखना ये चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। रेंट दे गोबर सारा इकट्ठा हो गया, सारी सफाई हो गई है। तो अभी जो है इनके लिए चारे का इंतज़ाम करते हैं और इनको जो है नहलाना भी, और शेरू और हमारे मिट्ठू की आपस में जो है थोड़ी आन बन रहती है। कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, अभी नए नए हैं ना। अभी सबसे पहले जो है टोका जो है इसको तेज़ कर लेते हैं, इससे इसको रेती बोलते हैं। पकौड़ा भी आ गई। गर्मी कितनी है चाय का? गर्मी नहीं है। ये बकरियों को डालना है हरा घास बकरियों के लिए, ले जा खा के। चारे की कटाई हो चुकी है और अभी जो है जानवरों को इनकी सर्विस करते हैं। ये लो भाई का, अभी बकरियां बाहर बांध। आज काफी दिनों के बाद मैं इनको हाथ लगा दिला रही। गर्मी काफी ज्यादा है, जैसे इंसानों को गर्मी लगती है इसी तरह जानवरों को भी काफी गर्मी लगती है। मेरे ख्याल में ये हमसे भी ज्यादा एहसास है। नहाते नहाते आकर जो है यहाँ से फूल खाना शुरू हो गया और इसको ये नहीं पता यहाँ पे घूंढ भी बैठे हैं। अगर घूंढों ने डस लिया साय में आ गए, नहा भी लिया और साथ में खा भी लिया। अपनी जो है शर्ट में जो है चारा डाल लिया और बकरियों को खिला रही है। फाइका को बकरियों से बहुत ज्यादा प्यार है। अभी जो है इनके लिए
फ्रेश चारा, हम इनके लिए फ्रेश चारा जो है वो यहाँ पे डालना है, इसलिए सुबह का जो चारा खुश्क हो चुका है बिल्कुल, इसको इकट्ठा करके वहाँ पे ढेर लगा दे। ये फ्रेश चारा भी आएगा इनके लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो है ना होश उड़ जाते हैं। अभी मैंने सब जानवरों को बांध दिया उनकी जगहों पे और अभी उनके लिए फ्रेश चारा जो है उसकी कटाई करके रखी है। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं, ये जो टोटी होती है ना ये इधर पत्तों के साथ मिक्स करके फिर खा जाते हैं। शौक से चारा नहीं खा रहे जानवर जैसे पहले खाते थे सर्दियों में, बरसीन जो होता है बरसीन वो बहुत शौक से खाते हैं। इधर देखना शुरू हो गए। इसकी सारी मैंने सफाई कर दी है और अभी इसमें चारा डालेंगे फ्रेश चारा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो है सब्ज चारा डाल दिया और सभी जो है खा रहे हैं और इनको चारा डाल दिया है, ये खा लें हज़म कर लें और उसके बाद फिर मैं दूध निकालूंगी इनका। शेरू रांझा और मिठू यहाँ पे खड़े हैं अलग से, इनका अलग बर्तन है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है जानवरों ने मेरे ख्याल में चारा जो है वो बिल्कुल खा लिया है और अभी जो जिस भैंस का मैंने दूध निकालना है ना वो अभी मेरी तरफ देख रही है, ये है मजनू की माँ। तो अभी उसको खोलते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी भैंस है, जो ही बर्तन देखती है तो बोलना स्टार्ट कर देती है। और अभी गर्मी है और सूरज जो है अभी तक ग़ुरूब नहीं हुआ, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं इसलिए जो है जल्दी दूध निकाल लेते हैं। जब तक ये दूध पीते हैं मैं तो अभी जो है मानो बिल्ली वो भी आ गई है कि मैं भी आ गई हूँ, ये इंतजार में होती है, ऑटो पे जबान लगा रही है कि दूध मिल जाएगा। मानो बिल्ली भी आ गई है उस साइड से, वो भी इस इंतजार में थी और साथ साथ में जो है भैंस को भी दूध देना है। तो इसकी जो है पूंछ वो बांध दी है, फिर भी वो इतना हिला रही है, तो ये जो है पूंछ इसलिए बांधी है कि ये इस तरह हिलाती रहती है और फिर मुंह पे लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल लिया है और जो जानवर हैं वो चारा खा चुके हैं और अभी इनको शाम होने वाली है, अभी सूरज जो है वो ग़ुरूब नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद इनको दोबारा से चारा डालेंगे और ये मैं दूध लेकर जाती हूँ बच्चों के लिए, दूध जो है वो बॉयल करेंगे और उनको देंगे, क्योंकि उनकी चीखों की आवाज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं। सुबह वाला वो सारा अभी पी चुके हैं, यहाँ तक कि जो है सेकेंड टाइम की चाय भी नहीं बनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो है व्लॉग वो पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।